प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 15 को पढ़ने जा रहे हैं, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है उसको किताब में ध्यान से देखिए। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, तो ऊपर में देखिए अक्ष का मिश्रण का और मूर्धन्य के मिलने से बनता है, त्र का ता और रा के मिलने से बनता है, ज्ञा का चा और इया के मिलने से बनता है, और स्रा का मूर्धन्य और रा के मिलने से बनता है। तो इनसे बने शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। अक्षा से बने शब्द इस तरह से हैं, अक्षर, रक्षा, कक्षा, क्षमा, शिक्षा, परीक्षा। और त्र से बने शब्द हैं, पत्र, सत्र, छात्र, मित्र, शत्रु, त्रिकोण। और ज्ञा से बने शब्द हैं, यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञाता, विज्ञान, प्रतिज्ञा। और स्र से बने शब्द इस तरह से हैं, श्रम, श्रावण, श्रेष्ठ, आश्रम, विश्राम, श्रीमती। अभी नीचे एक छोटी सी कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे। तो मेरे पीछे आप लोग ध्यान से देखकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक क्षत्रिय कृपाण लेकर आया, वह मुनि के आश्रम में आया था। वह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आया था। मुनि बहुत ज्ञानी था। उसके आश्रम में छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वह श्रमिकों को वहाँ आकर श्रेष्ठ कथा श्रवण करने को कहता था। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 16 पढ़ने जा रहे हैं। इनमें दो तरह के शब्द बने हैं, द्वित्व व्यंजन व संयुक्त अक्षर। तो द्वित्व व्यंजन में इस तरह से शब्द बनते हैं, एक ही अक्षर दो बार लिखा जाता है, उनमें से एक आधा और दूसरा पूरा लिखा जाता है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग किताब ध्यान से देखिएगा। द्वित्व व्यंजन जैसे बच्चा, रस्सी, बिल्ली, गुब्बारा। और संयुक्त अक्षर में एक अक्षर आधा लिखा जाता है, उसके बाद वाले अक्षर में जुड़ जाता है। तो संयुक्त अक्षर को देखिए, जैसे सब्जी, बिस्कुट, पुस्तक, अध्यापक। अभी नीचे लिखे शब्दों को देखिए जो द्वित्व व्यंजन हैं, पक्का, मम्मी, गन्ना, कच्चा, कुत्ता, पत्ता, अस्सी, गद्दा, मक्का, लस्सी, लड्डू, चम्मच। अभी संयुक्त अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे, जैसे प्याज, ग्वाला, विघ्न, मक्खी, तख्ती, गुच्छा, मच्छर, युद्ध, कन्हा, पत्थर, चिट्ठी, समाप्त। अभी नीचे पढ़ेंगे, पम्मी लेकर आई मक्का, छिलका छील निकाला मक्का, साग बनाया खट्टा खट्टा, आम मिलाया कच्चा कच्चा, चम्मच से फिर उससे चलाया, सब बच्चों ने जमकर खाया। इधर दाहिने तरफ देखिए, हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, हम उनसे विद्या प्राप्त करते हैं, वे हमें सत्य बोलना सिखाते हैं, वे हमें स्वच्छ रहना सिखाते हैं, वे नित्य हमें अच्छी बातें सिखाते हैं।